Dear students, in this topic we shall discuss the cardiac output and stroke volume. Cardiac output is the quantity of blood pumped into the aorta each minute by the heart. The average cardiac output for resting adult human. Is about 5 liters per minute. Dear students, the cardiac output is uh, affected by and varies widely with many factors, including the basic level of body metabolism, the physical activity of the body, size of the body, age, and gender. ये तमाम फैक्टर्स जो हैं कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं ये स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू कार्डिक आउटपुट जो कि पूरे एक मिनट की क्वांटिटी है उसके मुकाबले में स्ट्रोक वॉल्यूम जो है दिस इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट बाई ईच बीट ऑफ द हार्ट इट इज डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल जस्ट बिफोर कॉन्ट्रेक्शन जिसे के एंड वॉल्यूम कहते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ ए कॉन्ट्रेक्शन जिसे के एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं इन दोनों को जब माइनस किया जाए तो जो नतीजा निकलता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम स्टूडेंट दोक वॉल्यूम इज डिटर्मेंड बाई डिवाइडिंग कार्डियक आउटपुट बाई हार्ट रेट मैथमेटिकली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम कार्डियउटपुट को हार्ट रेट से डिवाइड करते हैं चेंजेस इन ए स्ट्रोक वॉल्यूम रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन एंड डायस्टोलिक आर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इनमें से कोई भी वॉल्यूम चेंज हो तो एज ए रिजल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन फोर पैरामीटर्स नंबर वन वेनस फिलिंग प्रेशर नंबर टू प्रेशर जनरेटेड ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन नंबर थ्री डिस्टेंसिबिलिटी यानी एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल And number four, the time available for filling the ventricle. The end systolic volume depends on two parameters. Number one, the pressures generated during ventricular systole, and the pressure in the outflow chambers or channels. Outflow channels, korn -korn se that is aortic and pulmonary arteries.